हे गाइस, वेलकम बैक टू ममता फैशन स्टूडियो। तो गाइस, बेबी फ्रॉक बनाएंगे 2 से 3 मंथ के बेबी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, मैंने ये कपड़ा डबल करके बिछाया हुआ है, ये देखिए। तो गाइस, फ्रॉक की जो फुल लेंथ होगी वो हमारी 15 इंचेस होगी। तो मैंने इस कपड़े को डबल करके बिछा लिया। ये अपर पार्ट हम इसमें मेजर करेंगे। तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है फोल्ड करके वो 5.5 इंचेस है और लंबाई इसकी 7 इंचेस है, ये देखिए। तो ऊपर से नेक का निशान लगा लेंगे, तो 2 इंचेस का निशान लगाऊंगी मैं, ये देखिए। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो 1.5 इंचेस का मैं आर्म होल लगाऊंगी, ये देखिए। इस तरीके से मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, आप इनको मिला लेंगे। यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे, तो मैंने ये शेप भी दे दी है। गाइस, ये चेस्ट जो है मैंने पूरा लिया हुआ है, 1/2 इंचेस का ही मार्जिन है, सिर्फ 20 है चेस्ट। और ये जो कपड़ा है ये 5.5 इंचेस का है। तो नीचे से कमर वाले साइड से हल्का सा 1/2 इंचेस गिराएंगे और उसके बाद वहाँ पे निशान लगा के कट कर देंगे, थोड़ी सी शेप देने के लिए। तो मैंने शेप भी दे दिया, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे की, ये देखिए। तो मैंने कटिंग भी कर लिया है गाइस, इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हम इसमें आगे अपना आर्म होल बनाएंगे, ये देखिए। ओपन कर लेंगे कपड़ा, ऊपर का जो ये पार्ट है इसको फोल्ड कर लेंगे पहले, इस तरीके से 1/2 इंचेस का फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। तो गाइस, आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा लें। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब क्या करेंगे हम, इसको आर्म होल इसके रेडी करेंगे बना के, ये देखिए। मैंने ये पट्टी ली हुई है, इस पट्टी को ये गाइस, ये ना और एक पट्टी है जिसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंचेस है, ये देखिए। कट लगाएंगे छोटे छोटे और इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से, ये देखिए। और फोल्ड करने के बाद इसमें एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद गई यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी मैं। और एक पट्टी जैसे हम लगाते हैं नेक लाइन पे, बिल्कुल हमें वैसे ही इसके शोल्डर पे लगाना है। कट एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया, आप इसको इजीली फोल्ड कर देंगे और पक्की सिलाई लगा देंगे, ये देखिए। तो पाई वगैरह करने का कोई भी हमारा इसमें झंझट नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसके दोनों साइड्स के आर्म होल रेडी कर लेंगे बना के, ये देखिए। 1 साइड का मैंने कर लिया है, ऐसे ही यहाँ का कर लेंगे। तो गाइस, मैंने दोनों साइड्स के आर्म होल्स बना के रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको मैं सेंटर में से कट कर लूँगी। यहाँ पे आप हुकाई की पट्टी या बटन पट्टी कह लीजिए, हम वो लगाएंगे। तो मैंने उसके लिए ये 2 इंचेस का कपड़ा लिया है पहले, इसको मैंने कपड़े की उल्टी साइड रखा हुआ है। गाइस, आप चाहें ना तो ये पट्टी लगाने से पहले आप नेक लाइन पर सिलाई ना लगाएं, मैंने पहले लगा दी है, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आप कपड़े को सीधा कर लें, ऊपर से हल्का सा फोल्ड कर लें ताकि आपको तुरपाई ना करना पड़े, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। गाइस, मैं यहाँ पे हुकाइक नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे टिच बटन का यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए, सिंगल सिलाई ही लगाऊँगी मैं। तो ये एक पट्टी हमने बना के रेडी कर ली है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट पर भी पट्टी बनाएंगे। दोनों पे हमें पट्टी बनानी पड़ेगी उकाई काज बटन के लिए, ये देखिए। तो मैंने ये ले लिया है, इस पर भी मैंने सिलाई लगा लिया है दूसरे वाले पार्ट पे। इसको भी एज इट इज़ वैसे ही फोल्ड करेंगे, पहले ऊपर से हल्का सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1/2 इंचेस का फोल्ड करेंगे, और जो हमने सिलाई लगाई हुई थी पहले उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस, मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी, ये देखिए। आप भी यहाँ पे एक पक्की सिलाई लगाएं, या फिर आप चाहें ना गाइस तो बेबीज़ की फ्रॉक में चेन भी लगा सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल रहती है, उससे आपको ये हुकाई का भी झंझट नहीं रहेगा। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, सिलाई मेरी लगी है गाइस। इसमें ना मैं टिच बटन का यूज़ करूँगी, हुकाई की पट्टी नहीं लगाऊँगी, ये देखिए। इस तरीके से रख लूँगी मैं, इसमें 3 टिच बटन लगाऊँगी, 2 नीचे यहाँ पर, और नीचे तो हमारी सिलाई आ जाएगी एकदम नीचे, और एक लगाऊंगी टॉप पर। तो फिलहाल मैं इसमें पिन लगा ले रही हूँ ताकि ये हिले ना, और आगे का प्रोसेस चालू करते हैं इसको स्टिच करने का। तो मैंने इसकी स्लीव बनाने के लिए ये कपड़ा लिया जिसकी चौड़ाई लगभग 2.2 इंचेस है और लंबाई इसकी 5.5 इंचेस है।
इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी यहाँ से साइड से, 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको फोल्ड कर लूँगी। इससे हम इसकी बद्दी बनाएंगे गाइस फ्रॉक की, हम स्लीव इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि बेबीज़ की फ्रॉक वैसे ही इतनी छोटी होती है, उसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके की बद्दियाँ। ये देखिए, तो मैंने ये दोनों बद्दियाँ रेडी कर ली हैं, अब इनको हम इसमें स्टिच करेंगे। तो मैंने ये इसमें स्टिच कर होगा, इस देखिए मैंने ये अटैच कर लिया। अब हम इसमें नीचे जो फ्रिल बनाएंगे उसके लिए कपड़ा ले लिया है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो 19 इंच से और लंबाई इसकी 9 इंच से। ये मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है आगे और पीछे के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। तो इस कपड़े को मैं अपनी फ्रॉक पर रख लूँगी और आपको छोटी छोटी सी पिन कह रही हूँ, आपको इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है कि इक्वली आ जाए सब में। आप चाहें तो प्लेट्स ना बना के आप इसमें छोटी छोटी सी चिन्हटें बना दें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो मैंने ये फ्रॉक के सीधी साइड रख रखा था ये कपड़ा, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद एक पक्की सिलाई इसके ऊपर भी लगा दूंगी मैं, जिससे कि ये प्लेट्स है हमारा ये खुले ना और इसका कपड़ा भी सेट हो जाए। तो ये आगे का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी हम लगा लेंगे। तो इसमें भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ हल्का हल्का सा चुनटे। ये देखिए, इक्वली हमें प्लेट्स लगानी है, ज़्यादा कम नहीं करना है। बेबी की जो फ्रॉक होती है ना, इसमें ज़्यादा घेर भी नहीं रखना होता है, हल्का सा ही बस थोड़ा अच्छा लगे इतना ही। ये देखिए, तो ये भी बना के रेडी कर लिया है मैंने, अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। गाइस ये जो मैंने फ्रॉक बनाई है ये आप 3 मंथ तक के बेबी को आराम से वेयर करा सकते हैं। ये देखिए, तो अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 इंच 1/2 इंच का ही मार्जिन है, तो आप वहाँ पे 1/2 इंच पर ही सिलाई लगा दें। गाइस इस फ्रॉक का ना और भी पार्ट्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसके मैचिंग का अपना एक कुर्ता भी बनाया हुआ है जिसका आपको ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और सेम इसी कपड़े का मैंने बेबी हेयर बैंड भी बनाया है जिसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिटिंग मैंने लगा दी है गाइस। ये देखिए, मैं आपको इसको सीधा करके दिखा दूँगी। उससे पहले गाइस नीचे की जो मैं आपको बता दूँ, नीचे की जो आप ये किनारियाँ इसकी मोड़ोगे, मैं तो इसको 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पीको करा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है बेबीज़ की फ़्रॉक में, वो एक अलग सा ही लुक ला के देता है ड्रेसेस में। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है फ्रॉक। ये देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, बहुत ही प्रिटी लग रही है ये छोटी सी मिनी फ्रॉक। आप चाहें तो सेंटर में एक फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो गाइस ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।